बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई शैल डिस्कस द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन पाकिस्तान एज आर्टिकुलेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। So, as I told you earlier, there are three lectures in this series. The two lectures already have been delivered. This is lecture three, election system and consequential democracy, quota and its implications, and recommendation. So today I received many calls from the students. So this lecture of this series, so this shall be in Urdu language as well as in English. Today this would be in Urdu. Teen ahem characteristics hain hamari parliament ke intikhabat. Number 1, सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल सीट्स के लिए। दूसरे नंबर पर आर्टिकल 62 और 62A जो उम्मीदवार की क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है। और तीसरा अहम इसका पहलू जो है वो नेशनल असेंबली में रिजर्व सीट्स हैं, 60 नशिस्तें खवातीन के लिए, जो 22.5% तकरीबन बनता है, और 10 नशिस्तें नॉन मुस्लिम के लिए। इनके अपने कुछ काउंटर प्रोडक्टिव इम्पैक्ट्स। पहली बात के जो सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पाकिस्तान के सियासी कल्चर में और पाकिस्तान की सोसाइटी में इसके नतीजे में अपर क्लास यानी मार्क्स की वो क्लास जिनको हैव्स कहता है, वो और वो अपने खास मफादात रखने वाले लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारी 60 नशिस्तों का कोटा है खवातीन के लिए, इसके जरिए से भी जो खवातीन मुंतखब होती हैं उनका भी ताल्लुक अपर क्लास से होता है, या वो उसी क्लास को मजीद ताकतवर करती है। यानी इसके जरिए से भी जो मार्जिनलाइज्ड है, लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, इवन सिंपल अपर क्लास जो है वो हमारी इस इंतखाबी निजाम के जरिए से या इन नशिस्तों के जरिए से पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाते। और इन नशिस्तों का, इस रिजर्वेशन का एक और पहलू यह है कि इससे जनरल पब्लिक के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, क्योंकि वो 272 सीटें नशिस्तें उन्होंने मुंतखब करनी है, इसकी वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तादाद और एरिया में इजाफा हो जाता है।
अगर 60 नशिस्तें ये भी जनरल इलेक्शन में चली जाए तो उनकी इलेक्शन के जो वोटर की तादाद कम हो जाएगी, समाल हो जाएंगी उनकी वो जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इस तरीके से ज्यादा मेंबर मुंतखब करने का मौका मिलेगा पब्लिक को एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसके बहुत से पहलू हैं जो हम इलेक्शन जब हम 1963 के तहत तो उसको डिस्कस करेंगे तो उसकी तफसील देखेंगे। तो तीसरे नंबर पर आर्टिकल 62 और 62A है। इसमें मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस हैं जिनको उनकी असल वो इनइफेक्टिव हो गई हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, उसमें पिक एंड चूज का मसला रहता है। और इसको मजीद जो मसाइल पैदा करता है कि हमारे इंतखाबी रूल में पैसे के रोल को कम करने के लिए, इलेक्शन को इंतखाब को आसान बनाने के लिए अखराजात की एक हद मुकर्रर की गई है, लेकिन वो अखराजात की हद जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं है। 95% मेंबर जो है उस हद से कहीं ज्यादा खर्च करके वहां पहुंचते हैं, यहां तक के कई लोग 1 बिलियन रुपए से ज्यादा भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे खर्च कर देते हैं। और इस तरीके से वो इंतखाब के सही अमल को मुतासर करने का उनके पास इख्तियार है। इससे भी असल लीडरशिप की बजाय अपर क्लास वहां पहुंच पाती है। फिर हमारे यहाँ असूल पसंद या असूल प्रस्त सियासी जमातें जो इस इंतखाब की बड़ी बुनियादी हैसियत रखती हैं वो मौजूद नहीं है, और उनकी अदम मौजूदगी में ये इंतखाब फिर अपर क्लास के फेवर में चला जाता है। और इसका नतीजा ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो अपर क्लास का एक या पॉलिटिकल एलीट्स का एक क्लब है, जिनको हम मार्क्स की जुबान में हैव्स कहते हैं। और ये हैव्स जो है इनके अपने मुफादात हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, और उनको वहां बैठ के ये वॉच करते हैं। अब ये जो हमारी कंपोजिशन है पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट बनी वो सिर्फ हैव्स के ऊपर मुश्तमिल है जिनके अपने मुफादात हैं। और ये बड़ी बात वाजे है जिस पे किसी बहुत ज्यादा दलील की जरूरत नहीं है, हैव्स और हैव नॉट के मुफादात में तसादुम है। और इसके नतीजे में हमारी पार्लियामेंट आम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कानून साजी और पॉलिसीज बनाने में नाकाम रही है, और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो एडवर्स फीडबैक है उसने जगह ली है, यानी डिसीजन मेकिंग के बाद जो उसका रिस्पांस आता है वो पॉजिटिव नहीं आता, रिएक्शन की सूरत में आता है। और ये जो गैप है पार्लियामेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज और पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस के दरमियान, यानी पार्लियामेंट के फैसले और अवामुन्नास की जो उनसे तवक्कुआत हैं उनके दरमियान जो गैप है, उस गैप से एक्सप्लोजन सियासत में पैदा होता है। और इस एक्सप्लोजन के नतीजे में जो पावर ब्रोकर ताकतें हैं वो सियासी अमल के अंदर, सियासी मैदान के अंदर दाखिल हो जाती हैं, और वो ऐसी पार्लियामेंट जिसको अवामुन्नास की सही सपोर्ट हासिल नहीं होती उसके ऊपर उसको आकर डिमोलिश कर देते हैं, और वो हाउस ऑफ कार्ड साबित होती हैं और हकूमत के ऊपर काबज हो जाते हैं। और कुछ अरसे के बाद वो कहते हैं लोगों से, मेरे हम वतनों अस्सलामु अलैकुम,
और इसकी वजह सिर्फ यही है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास वो रियल पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, पब्लिक उन पे ट्रस्ट नहीं कर रही होती, उनकी पॉलिसीज और फैसले जो है वो पब्लिक के मुफाद में नहीं जा रहे होते। और इसकी बहुत सी मिसालें आपके आज के दौर में मिल जाती हैं। आपकी चीनी के बारे में सब्सिडी देना, ये आपके पार्लियामेंट या आपके एग्जीक्यूटिव के फैसले थे जो अवाम के मुफादात से मुतसादिम है। आपके बिजली के बारे में मुआहिदे, आपके गैस की खरीदारी के बारे में मुआहिदे, आपके इस तरह बिजली की कंपनीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं वो तमाम जो है वो पब्लिक के मुफाद की बजाय उन कंपनीज के मुफादात को प्रोटेक्ट करते हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि पार्लियामेंट इज अ क्लब ऑफ पॉलिटिकल एलीट्स जो अपने इंटरेस्ट को वहां पे वॉच करते हैं, और ये चीज जो है ये हमारे यहाँ एक इशू है। उसके बाद दूसरा अहम इशू जो है, जब हम इसको देखते हैं कि पार्लियामेंट का इंतखाबी निज़ाम, कोटा सिस्टम और मेंबरान की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन का सही पर सही कानून पे अमल ना होना, अखराजात के कानून पे अमल ना होना और दीगर चीज़ें जो मुख्तलिफ पोलिंग रिगिंग है उसको कंट्रोल ना करने की बुनियाद पर जो मौजूदा हमारी असम्बलीज हैं, इट इज नाइदर डेमोक्रेसी नार इस्लाम, इट इज अ सोफिस्टिकेटेड अरिस्टोक्रेसी। ना ये जमहूरियत है ना इसको इस्लाम कहा जा सकता है, इसको ज्यादा से ज्यादा एक सोफिस्टिकेटेड अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है जा सकता है जिसके ऊपर लोगों को मुकम्मल एतमाद नहीं है। इस सूरत हाल में जरूरत इस अमर की है कि एक ऐसा इंक्लूसिव सिस्टम डिजाइन किया जाए जिसमें जो तमाम क्लासेस को, तमाम रीजन्स को, तमाम यकीनन जो भी हमारे यहाँ तकसीम है उन तमाम को यकजा करे और असेंबली पार्लियामेंट तक पहुंचाना उनका यकीनी बनाए। जब हम तमाम रीजन्स को, तमाम क्लासेस को पर्टिकुलरली असेंबली में पहुंचा देंगे तो वो वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच करेंगे और इसके नतीजे में नेशनल कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा, गुड गवर्नेंस जो है उसको गुड गवर्नेंस को फरोग मिलेगा और हकीकी डेमोक्रेसी या हकीकी इस्लामिक सिस्टम जो है वो मुल्क में नाफिज होगा और ऐसी सूरत में मुल्क तरक्की की राहों पे गामजन होगा। अब इसके लिए रिकमेंडेशन कौन सी हो सकती है, कौन सा सिस्टम इसके लिए बेहतर हो सकता है? तो इसके लिए हमारी नजर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मॉडल जो है वो एक बेहतरीन निजाम हो सकता है हमारी सोसाइटी। इसके जरिए से हम जो इसके जरिए से इलेक्शन में दौलत के अमल दखल को, बिरादरी के अमल दखल को, रिगिंग जैसी चीजों को और को हम किसी हद तक जो है वो कम कर पाएंगे और एक इंटीग्रेटेड नेशन जो है वो हम इसमें फरोग दे सकेंगे। तो जो एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग जो हैं वो अपने पैसे के इस्तेमाल के जरिए से, बिरादरी एक्सप्लॉयटेशन के इस्तेमाल के जरिए से, एथनिसिटी के इस्तेमाल के जरिए से और पोलिंग के दिन अपनी रिगिंग के जरिए से और मुख्तलिफ जो उनके और हरबे हैं उनके जरिए से वो पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं, वो पहुंच नहीं पाएंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान और इसकी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम प्रोविंशियल बेस पे बना सकते हैं, डिविजनल बेस पे बना सकते हैं और इलाकाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो हमारी पार्लियामेंट होगी वो एक रियल पार्लियामेंट के जरिए से जिसका मकसद
नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन करना और पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, और वो उसकी बुनियाद पर इन जनरल पब्लिक को अकाउंटेबल होंगे, वो हम क्रिएट कर सकेंगे। और उसके बाद इससे हर वोट जिसने कास्ट किया है वो उसका काउंट हो जाएगा। अब इस वक्त होता यह है कि अगर किसी हलके में 30 लोग खड़े हैं और 30 लोगों में 80% वोट तकसीम हो गए और एक शख्स ने सिर्फ, यानी 52-53% वोट कास्ट होते हैं, उनमें से अगर एक शख्स ने 20-22% वोट ले लिए वो जीत गया, तो ऐसी सूरत में आपके 90% वोट, 55% तो वैसे ही गए 45% के करीब, और बकिया में से फिर जो है आपके रिमेनिंग 80% वोट भी जो है, ये मैंने बहुत बड़ा कहा कि बाज़ औक़ात तो चंद हजारों वाले MLA बन जाते हैं, तो वो वोट जो है वहाँ पे यकीनन ज़ाया हो जाते हैं। और इसलिए जो हुकूमत बनती है वो असल में अक्सरियत की हुकूमत नहीं होती, वो अकलियती हुकूमत होती है, जिसकी वजह से वो मुसलसल मुश्किल में रहती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से हर एक वोट कास्ट हो जाएगा। और फिर एक अहम काम ये जो करेंगे, जिस वक्त प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, वहां पे ये पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत कर देगा, क्योंकि इसमें जो इंतखाबात होंगे वो पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियाद पे होंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको ये मजबूत करेगा, क्योंकि वो फ्री हैंड रखेंगे लोगों को टिकट देने के। उसमें इस वक्त वो इलाकाई क़यादतों को टिकट देने पर मजबूर हैं, खा वो असेंबली की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते, पार्टी उनको पसंद करती है पसंद नहीं करती। तो ऐसी सूरत में कि कुछ पार्टी के वोट और कुछ अपने वहाँ हलके के वोट, बकिया उनकी चीज़ें उनको कामयाब कर देती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऐसे अशखास को वोट देने की पाबंद हैं जो सही तरीके से वो जो वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी तो सियासी जमातें मजबूत होंगी और ये असम्बली में अपनी बेहतरीन क़यादत और बेहतरीन लोग जो हैं भेज सकेंगे जो सियासी अमल में मुफीद साबित होते हैं। और उसके बाद एक इंतहाई अहम जो ब्रॉड बेस्ड प्रोपोर्शनल सिस्टम है, ये उन तमाम एक्टर्स को जो इलेक्शन मनवर करते हैं और अपने मुताबिक रिजल्ट्स लेने की कोशिश करते हैं उनके किरदार को भी कम कर देगा। तो इसलिए हमें, और यही वो सिस्टम है जो एक बेहतरीन जमहूरी निज़ाम और एक हकीकी काबिल एतमाद और क्वालिटी लीडरशिप जो है वो पार्लियामेंट में भेज सकेगा, और इस तरीके से पार्लियामेंट के डिसीजन जो हैं वो पॉजिटिव फीडबैक के साथ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बख्शेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैं आज ये किताब भी रिकमेंड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2000 का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 2010 में है, गजट नोटिफिकेशन है, इसका लिंक है कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग लिंक में उन्होंने दिए हुए हैं अपने हिसाब से, तो ये मैंने नीचे पूरी तफसील लिख दी है, इसको यहाँ से लिखें और डाउनलोड कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 लिंक 1333523681-951। सो ये इसको आप कर लें। थैंक यू वेरी मच। इसका इंग्लिश वर्जन भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से, या जैसे